जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु बार केरला में। मैं रविकांत राय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा की बुक से आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का तीसरा दिन है, महेश मिश्रा की बुक से पार्ट ए से 1 से लेकर 20 तक सवाल हम आपको बताने वाले हैं, तो धैर्य बनाकर अंत तक वीडियो को बने रहें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो दूसरी संख्या का 1000/3% के बराबर होता है। सॉल्व करिए, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3a 3b = 10b। अच्छा, 10 में 3 घटा दीजिए तो 7b हो जाएगा। आप तो जानते हैं बराबर में जिसके सामने जो दिया रहेगा उसी का मान होता है। तो a का मान कितना है, 7, अब b का मान 3, यही a और b का रेशियो क्या होगा, 7:3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से, ए बी का योग दूसरी संख्या का 1000/3%, परसेंट का मतलब 100, 2 जीरो कट जाएगा, 3a + 3b = क्या होगा, 10b, 10 में 3 चला जाएगा 7b, जिसके सामने जो रहेगा उसी का मान होता है। तो a का मान 7, अब a का मान 3। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर टू में आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर, एक राशि को पी क्यू आर के बीच में 6:19:7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू आर का रेशियो 3:10:3 के अनुपात में हो जाता है। कुल राशि क्या थी आपको फाइंड करना है, पी क्यू और आर। ध्यान दीजिएगा, 6x, 19x और 7x। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिए, 200 रुपया कौन देता, आर अपने हिस्से से किसको दे देता है, क्यू को। तब इन तीनों का रेशियो दिया हुआ क्या है, 3:10:3 हो जाता है। ठीक है, ये पहले का था, ये वर्तमान है, ये पूर्व, ये कब का है, वर्तमान है। एक काम करते हैं, पी और आर को लेके चलते हैं, पी बाय आर। पी का मान 6x और आर का मान 7x - 200 बराबर, इन दोनों का रेशियो 3:3 है। अच्छा, एक बात बताइए, कट जाएगा तो क्या होगा, 7 में 6 चला जाएगा, x = 200। आपसे किसका धन पूछा ये बताइए, तो का कुल राशि बताइए। तो एक काम करिए, सबको जोड़ दीजिए, टोटल धन पता चल जाएगा। पी क्यू आर का टोटल धन क्या होगा आपको बताना है। देखिए, आपका 6 और 19 = 25, 7 = 32, ये तो कट जाएगा, और x का मान 200, 32 × 2 क्या हो जाएगा, 6400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपके मन में एक सवाल है, सर ये 200 कहाँ चला गया, जब इन तीनों को जोड़िएगा ना, 3 × 80 में ये पॉजिटिव में कट जाएगा, तो बचा क्या, 19 × 6 = 25 और 7 = 32, एक्स का मान 200, 32 × 200 कर देंगे 6400 रुपया, कोई दिक्कत। तो बढ़ते हैं, और एक बात सुन लीजिए, इसको लेके चले आसान हो गया, एक काम करिए पी क्यू को भी लेके चलिए तो भी आंसर रहेगा, या पी आर को लेके चलिए, तो पी आर तो ले ही चुके हैं, कोई दिक्कत है। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 के बाद 3 में, ध्यान दीजिएगा।
तीन नंबर क्वेश्चन क्या है जरा नोटिस कीजिए, किसी राशि को पी क्यू आर के बीच में के अनुपात दिया 5, 8, 12, यदि क्यू और आर का कुल धन 6,560 रुपया हो तो पी का राशि, चलिए ध्यान दीजिएगा बहुत सिंपल सवाल है, पी क्यू आर इसका धन का अनुपात दे चुका है कितना है तो 5, 8 और 12, 560 रुपया जो धन है ना वो किसका है तो यहाँ दिया हुआ है क्यू और आर का, इन दोनों जोड़िए 20 यूनिट का मान 560 और निकालना है पी का मान, इंटू कर दीजिएगा किससे 5 से, काटेंगे 28 गुना 5 140, तो क्यू को कितना रुपया मिलेगा 140। समझे बात को, एक बात बताइए ये जो 560 धन है किसका है तो क्यू और आर का, क्यू आर का धन यहाँ कितना रेशियो में तो 20 है और रुपया में 560 है, भाग लगा दिए क्यू आर के धन से क्यू आर के धन में भाग लगा दिए, का पी का धन निकालें, पी का धन कितना है 5 × 5 कर दिए, आंसर हो जाएगा कितना 140। तो बढ़ते हैं सवाल 3 के बाद 4 नंबर में, ध्यान दीजिएगा 4 क्या है, एक संख्या का 30%, एक संख्या का 30% कहा दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, चलिए बी में जोड़ देते हैं, कहता है दूसरी संख्या जो है बढ़कर 140% हो जाता है, चलिए इसको सॉल्व करिए, तो 10 यहाँ कटेगा, 20 से काटेंगे 5, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्चुअली अगर गुना कर दिया जाए तो 5 × 3 15A, ठीक है, या एक काम करें एलसीएम ले लेते हैं 3A + 10B अब बाय 10 अब बराबर यहाँ क्या होगा 7B/5, इससे काटिए इसको तो 7 × 14 में से चला जाएगा कितना 10, क्या बोलिएगा 4B, आप तो जानते हैं बराबर में जिसके सामने जो दिया रहेगा उसी का मान होता है, तो जरा समझिएगा ए के सामने 4 और बी के सामने 3, इसका जो रेशियो होगा 4:3, 4:3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा बी होगा, एक बार ध्यान से समझिएगा क्या किए, कहा क्या पहली संख्या का 30% बी में जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए तो कहा दूसरी संख्या जो बी है वो 140% हो जाता है, कितना 140%, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 10 लेंगे तो 10 कट जाएगा तो 3A और यहाँ 10B/10 बराबर 7B/5, काटेंगे 2, 7 × 2 14 और 14 में 10 चला जाएगा तो 4B, A के सामने 4 B के सामने 3, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सवाल 4 के बाद आते हैं 5 में, ध्यान दीजिएगा राम और श्याम है, ध्यान दीजिएगा राम और श्याम जिसका रेशियो दे दिया 4:5, क्या कह दिया राम के वेतन में कितना परसेंट बढ़ जाता है 10% से बढ़कर, ध्यान दें 10% इसका बढ़ गया तो 110, और श्याम के वेतन में कितना इंक्रीज किया ये पता नहीं है, तो एक काम करिए आप कहीं मत जुड़िए, राम के वेतन में 10 इंक्रीज हुआ है, श्याम के वेतन में कितना इंक्रीज किया ये पता नहीं है, लेकिन टोटल वेतन में कितना इंक्रीज कर गया है तो आपका 15%, देख लीजिए आप हम कहीं पे 100 में नहीं जोड़े हैं, आपको पूछा है श्याम का कितने प्रतिशत आपका इंक्रीज किया है, चलिए सॉल्व करते हैं, सबका बेस समान है तो 10 × 4 = 40, 5x = 135, तो 5x = 95, 19 × 5 = 95, अब ये बता दीजिए श्याम के वेतन में कितने परसेंट का इंक्रीज किया था 19%, ऑप्शन सी राइट आंसर है, एक बार फिर से ए के वेतन में
10% दैट मीन्स राम के वेतन में 10, श्याम के वेतन में कितना इंक्रीज किया पता, और टोटल वेतन कितना हो गया 5-4-9, पूरे में 15% इंक्रीज किया। तो आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर आप 100 में जोड़े नहीं, हम जोड़ के भी बनाएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम का 4 है 110%, उसके बाद श्याम के वेतन में कितना इंक्रीज किया पता नहीं, लेकिन टोटल है 5-4-9, पूरे के वेतन में 15 इंक्रीज किया, इसको भी सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान 19% ही आएगा। समझे, आप 100 में जोड़ के बनाएगा तो एक दो स्टेप बढ़ जाएगा। 100 नहीं जोड़े हैं, देखिए जब यहाँ नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ भी नहीं जुटेगा, कहीं मतलब बराबर कहीं नहीं हम जोड़ेंगे 100 में, यहाँ भी परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज, बैलेंस मान निकाल लीजिए कितना परसेंट, 19%। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 5 के बाद आते हैं 6 में, ध्यान 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर सवाल, ध्यान से समझिएगा। ए और बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है, ए का वेतन 15% से बढ़ जाए तो दोनों का कुल वेतन 7175 रुपया हो जाता है, तो बी का वेतन क्या होगा आपको फाइंड करना। ए और बी, ए का धन 9 है, बी का धन 4 है, इसका वेतन 15% बढ़ा दिया 115/100, अब बी का वेतन ज्यो का ज्यो, 5 से काटेंगे 23 और 5 से काटेंगे 20, 23×9=207, अब 20×4=80, इन दोनों का टोटल सम 7175 है, ये किसका है तो ए बी का, ए बी का योग है 287, आपसे बी का कहाँ निकालने, किसका धन बी का ना, 80 से इंटू कर दीजिएगा, इससे काटेंगे ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो बी को कितना रुपया मिलेगा तो 2000 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। समझे, हम क्या किए, ए का वेतन 15% बढ़ा दिया 115/100 तो ए का 207, अब 20×4 बी का 80, इन दोनों का योग 287, इन दोनों का योग दे चुका 7175, का बी का हिस्सा कितना 80 से इंटू कर देंगे। तो बढ़ते हैं सवाल 6 के बाद 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा 7 क्या है, जरा नोटिस कीजिएगा, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40% आगे दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, चलिए दूसरी संख्या बी में हम जोड़ देते हैं, आगे क्या कहा, ध्यान दीजिए स्वयं का 125% हो तब वो स्वयं का किसका, ए का कितना परसेंट हो जाता है, 125% हो जाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 25 से काटेंगे 5, 4, एक्चुअली यहाँ 20 से काटेंगे 2 और 5, एलसीएम हो जाएगा 2a 5b/5, और यहाँ क्या होगा 5a/4, एक काम करिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4×2 8a+20b=25a, एक काम करिए प्लस इस पर जाएगा तो माइनस, 25 में 8 चला जाएगा 17a, आपको पता है बराबर में जिसके सामने जो दिया रहेगा उसी का मान होता है, ए के सामने 20 और बी के सामने 17, यह इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ए का 40% क्या कहा, किसी संख्या का 40% दूसरी में जोड़ दिया जाए बी में, फिर क्या कर दिया तब वह पहली का 125% हो जाता है, 25 से काटेंगे 5, 25 से काटेंगे 4, 20 से काटेंगे 2, 20 से काटेंगे 5, तो 2a+5b/5, और ये 5a/4/क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4×2 8, 5×4 20, 5×5 25, रेशियो निकल जाएगा ए और बी का कितना 20:17। तो बढ़ते हैं 7 के बाद 8 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा क्या कहा, 91 लड़के
तीन पंक्तियों में बैठे हैं पाली तथा दूसरी पंक्ति में आपका रेशियो दे दिया 5:2 का, दूसरी और तीसरी का रेशियो 1:3 है। एक काम करिए, टोटल बच्चों की संख्या आपका दिया हुआ है 91, ए बी सी आपका दिया हुआ पहली और दूसरी का रेशियो 5:2, फिर दिया दूसरी और तीसरी का रेशियो 1:3, गुना कर दिए 5 गुना करेंगे 5, 2 गुना करेंगे 2 और 3 गुना 2 करेंगे 6। इन तीनों का योग दिया हुआ है, इन तीनों का योग कितना 5 + 7 = 13, जानते हैं ये 13 यूनिट का मान है 91। और निकालना है दूसरी पंक्ति में तो बी का मान निकालना है, दूसरी पंक्ति में बच्चों की संख्या इससे काटेंगे 7 और 7 × 2 कितना हो जाएगा 14 है, दूसरी पंक्ति में बच्चों की संख्या कितना 14। एक बार फिर से ए बी का रेशियो 5:2 और दूसरी और तीसरी का रेशियो 1:2 क्या है 13 है। सॉल्व करेंगे 5 × 5 = 5, 2 × 2 = 2, 3 × 2 = 6, 5 + 7 = 6, 13 यूनिट का मान 91। और निकालना है किसका है तो कहा आपका दूसरी यूनिट का मान बी का इंटू क्या कर देंगे तो आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सवाल 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा 9 नंबर सवाल क्या है जरा नोटिस कीजिए। किसी राशि को पी क्यू आर के बीच 5, 11, 23 के अनुपात में बांटा गया, पी क्यू और आर इन तीनों का धन का अनुपात दे दिया है 5, 11 और 23, आर का हिस्सा ध्यान दीजिए किसका हिस्सा आर का हिस्सा पी क्यू के कुल हिस्से से 2800 अधिक है। जरा समझिएगा पी क्यू का हिस्सा आर के साथ इन दोनों का योग 16, इसका योग 23, देखिए कितना ज़्यादा है इससे, ये ज़्यादा है 7 और ज़्यादा दे दिया 2800 रुपया, अधिक बराबर अधिक x बराबर 400। आपसे मांगा किसका तो कहता क्यू आर के हिस्से में अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर क्यू और आर आर माइनस क्यू इन दोनों के अंतर कितना का 12, अब 12 × 400 कर देंगे तो 4800 आपका आर माइनस क्यू का अंतर कितना हो जाएगा 4800 का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार ध्यान दीजिएगा पी क्यू का योग 16, आर का 23 कितना ज़्यादा है 7 रुपया 2800 ज़्यादा है, एक्स बराबर 400 इन दोनों का अंतर मांगा अंतर कितना का है 12 में क्या कर देंगे एक्स कॉमन पुट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4800 का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सवाल 9 के बाद चलते हैं 10 नंबर, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी संख्या का 25% दूसरी संख्या में घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा आपको फाइंड करना है। पहली संख्या का 25% को 1/4 बोलते हैं, दूसरी संख्या में घटा दिया जाए तो ये घटकर दूसरी संख्या का 5/ कितना हो जाता है 6, ये प्लस इस पर आएगा तो माइनस, ये माइनस उस पर जाएगा तो प्लस, 6 में से 5 चला जाएगा 1b/6 और a/4 बराबर में जिसके नीचे जो दिया रहेगा उसी का मान होता है, ये 3 ये 2 तो a और b का रेशियो क्या होगा तो a के नीचे 2 b के नीचे 3 a और b का रेशियो 2:3 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं सवाल 10 के बाद 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या है 11 नंबर सवाल। मिस्टर कुट्टी के पास कुछ हैं कुछ भेड़ है, सभी के सिरों की संख्या 38, पैरों की संख्या 100 है तो हैन और भेड़ की संख्या किस अनुपात में होगी। आप इस सवाल को कई तरीका से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे, हैन प्लस आपका भेड़ है इन दोनों को मिला के टोटल जानवर आप भी से इंडिकेट कीजिए या एस से इंडिकेट कर सकते हैं।
और टोटल संख्या कितना है 38। अच्छा ये बताएं हेन को कितना लेग होता है, दो। अब बताइए भेड़ को लेग कितना होता है, अच्छा, और टोटल लेग की संख्या आपका 100। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, आप चाहे तो दूसरे तरीका से एक काम करते हैं, आपका रेशियो पूछा है ना, फाइंड कर लेंगे। एक काम करिए, हेन की संख्या को एक्स मान लेते हैं, तो भेड़ की संख्या को 38 माइनस एक्स। अच्छा हेन को कितना लेग होता है, तो आपका तो भेड़ को 4 और टोटल लेग 100। इससे भी आप रेशियो निकाल सकते हैं, हेन निकल जाएगा तो भेड़ भी निकल जाएगा, और हेन और भेड़ का रेशियो काट के फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें कुछ अलग सोचिए, ध्यान रखिएगा, हेन प्लस सिर्फ भेड़। अच्छा बताइए 38 है ना, हेन को कितना लेग होता है, तो 76। भेड़ है, भेड़ को कितना लेग, तो 4। 38 में 4 कर दिया जाए 152 क्या, और टोटल लेग है कितना 100। लेस कीजिए 52, लेस कीजिए इसको तो 24, काटिए 4 से 13:6। यही तो इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आप चाहें कुछ और भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, बोले कैसे, 4 पैर वाला जानवर की संख्या बराबर पैर की संख्या में 2 से भाग लगा के सिर की संख्या को माइनस कर देना है। अब जरा ध्यान दीजिए, टोटल जानवर आपका है कि लेग कितना 100/2 माइनस आपका 38। अब यहां से लेस कीजिए तो ये 12 निकल गया, किसका संख्या, तो भाई सिप की संख्या, हेन और सिप, ठीक। ध्यान दीजिएगा सिप हो गया कितना 12, 38 में 12 हटाइए तो कितना 26, इसको काटिएगा तो कितना आएगा 13:6। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 13:6, जो कि ऑप्शन क्या है आपका, बी है। तो बढ़ते हैं 11 के बाद 12 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा नोटिस कीजिएगा, 15:19 के अनुपात में प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन सी संख्या घटा दिया जाए ताकि इसका रेशियो 3:4 हो जाना चाहिए। 15 में और 19 में क्या घटा दिया जाए ताकि ये रेशियो 3:4 हो जाना चाहिए। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का मान निकाल सकते हैं या ऑप्शन बेस्ड, ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन हम लेके चलते हैं डी, 15 में 3 घटाएंगे तो 12, 19 में 3 घटाएंगे 16, अब इसको काटिए तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 4, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, क्या लेके चलने पर प्रूव्ड हो गया, तो 3। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान दीजिएगा, 15 में 3 घटाएंगे 12, 19 में 3 घटाएंगे 16, कट के 3/4 बराबर 3/4 इक्वल हो गया, क्या घटाने पर आंसर 3 होगा, नहीं तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से भी एक्स का मान निकालिएगा तो 3 आएगा। बढ़ते हैं सवाल 12 के बाद 13 आते हैं, ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 13 नोटिस कीजिएगा, तो आपका पी बाय क्यू बराबर आर बाय एस बराबर आपका टी बाय यू बराबर आपका 2/3, सबका रेशियो दे दिया कितना 2/3। सवाल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा, एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी, आगे ध्यान दीजिएगा, एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। अब एक सवाल मेरा है, जरा ध्यान दीजिएगा, पी आर टी का मान 2 है, पी आर टी का मान 2, इन तीनों जगह 2 रहेगा
तो दो कोमा लेंगे तो बचेगा क्या, एम प्लस एन प्लस ओ, क्यू एस और यू का अनुपात कितना है तीन, तो क्यू एस यू का अनुपात तीन कोमल लेंगे तो ये हटना जाएगा तो बचेगा क्या एम एन ओ, आप ही बताइए ये कट गया तो रेशियो क्या मिल गया, दो अनुपात तीन। एक बात बताइए आप, हम पी की जगह क्या रखेंगे दो, आर की जगह भी दो और टी की जगह भी दो, ये दो दो कोमल लेंगे तो ये हट जाएगा ना तो बचेगा पी सॉरी एम एन ओ बचेगा। और यहाँ देखिए क्यू एस यू का अनुपात तीन है, यहाँ भी तीन रखेंगे, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन कोमल लेंगे तो बचेगा क्या एम एन ओ, ये दोनों कट जाएगा, आंसर क्या होगा टू इज टू थ्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं 13 के बाद 14 में आइए, तो ए बी सी डी इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा तो ए बाय बी बराबर सी बाय डी बराबर ई बाय एफ, इन सबका रेशियो 1:2 है। सेम क्वेश्चन है, आइए ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, उसके बाद क्या पी बी प्लस क्यू डी आर एफ। अच्छा एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहां पर अगर देखा जाए ये किसका मान है, तो पी समझिएगा ए बाय ए का मान कितना है वन, सी का मान वन, ई का मान वन, ए का मान भी वन है, सी का मान भी वन है, ई का मान भी वन है, वन कोमल लेंगे तो बचेगा क्या पी क्यू आर। अच्छा यहां देखिए बी डी एफ का मान दो है, बी बी डी एफ का मान दो है, दो कोमल लेंगे बचेगा पी क्यू आर। अब आप बताइए हमको ये कट जाएगा तो रेशियो मिलेगा कितना 1:2, समझे। सेम क्वेश्चन था 13-14 जो है सवाल सेम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कितना 1:2। और इसका कितना रेशियो 2:3, दैट मीन्स आपका आंसर सी होगा, समझे। हम कोमल लेंगे, देखिए ए के जगह भी क्या रखेंगे एक, क्योंकि ए सी ई का मान वन है, इन तीनों जगह वन रखेंगे वन कोमल तो पी क्यू आर बच जाएगा। आगे बढ़िए पी क्यू आर, उससे पहले देखिए बी डी एफ का मान दो है, इन तीनों जगह दो रखकर कोमल ले लेंगे तो पी क्यू आर बचेगा कट जाएगा, आंसर क्या होगा 1:2। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 में आते हैं, नोटिस कीजिएगा 15 नंबर सवाल बहुत सिंपल है, मान दिया हुआ है एक्स वाई का मान कितना है तो 3:1 दिया हुआ है। सवाल क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स क्यू माइनस वाई क्यू और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, मान पुट कर दीजिए 3 का क्यू 27 1 का क्यू 1, 27 में घटेंगे 26, 27 और 1 28, काटेंगे 13:14, यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13:14। बढ़ते हैं सवाल क्या है 16 में आ जाइए आप, ध्यान दीजिएगा चतुर्थानुपाती, तो आप तो जानते हैं चतुर्थानुपाती क्या होता है बी सी बाई, या तो इस तरीका से लिखिए इसको, ध्यान दीजिएगा कितना है आपका 0.12 अनुपात 0.21 प्रोपोर्शन 8 अनुपात डी। अब लिख दीजिए 0.12/21, वो भी क्या पॉइंट में है ये, अब बराबर 8/d, आप बताइए हमको ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं, काटिए 4 से काटेंगे 2, 4 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 7, 7 × 2 = 14, तो बताइए डी का मान कितना हो जाएगा 14। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, या आप तो जानते हैं चतुर्थानुपाती बी सी बाय ए। जरा ध्यान दीजिएगा बी का मान कितना है 0.21, सी का मान 8, बाय ए का मान 1:2। एक बात बताइए
पॉइंट का कोई मतलब? देख लीजिए, ये किसका मान है? ए का, ये बी का, ये सी का। बी सी बाई चतुर्थानुपाती, तो बी का मान क्या 0.21, सी का मान 8/12, 68 इससे काटेंगे 14 बार में कट जाएगा, तो बताइए डी का मान कितना 14। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं 17, ध्यान दीजिएगा। 17 क्या है जरा नोटिस कीजिए, एक व्यक्ति टोटल 8600 रुपया को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कितना 8600 रुपया को, 5 आपका दिया हुआ है क्या है बच्चे, 4 डॉटर और आपका 2 नेफ्यून के बीच। तो ध्यान दीजिए सन डॉटर नेफ्यून, अब जरा नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कह दिया है अंतिम से, चलिए प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना, इससे कितना गुना 5 गुना, और प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना, इसका ये 4 गुना। अब ये बताइए आप, पुत्र को मिलता है भतीजे से 5 गुना और पुत्री को मिलता है भतीजे से 4 गुना, एक पुत्र को 5 रुपया देते हैं, ऐसे कितने पुत्र हैं तो 5, ये 55 नहीं है, ये 5s है, मतलब सन 5 सन। ध्यान, एक डॉटर को देते हैं 4 रुपया, 4 डॉटर है, एक भतीजे को 1 रुपया, टोटल 2 भतीजा है, और टोटल सभी के बीच में 8600 रुपया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2541 यूनिट कमाओ 8600, एक यूनिट का मान 200, आपसे मांगा किसका हिस्सा, कहा प्रत्येक पुत्री का भाग बताइए, डॉटर का 4 गुना 2 800, प्रत्येक डॉटर को मिलने वाला धन कितना मिलेगा 800 रुपया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्या होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना, प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना, एक पुत्र को 5, ऐसे 5 पुत्र हैं, ये 5s है, s ये प्रत्येक, ध्यान दे एक डॉटर को 4 रुपया, 4 डॉटर है, एक भतीजे को 1 रुपया, ऐसे कितने भतीजे 2 हैं, सभी के बीच 8600 रुपया। क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सवाल 17 के बाद आते हैं 18 नंबर सवाल, नोटिस कीजिएगा क्या है 18 नंबर, किसी धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है, ए का भाग बी का भाग का दुगना है और बी का भाग सी का भाग का क्या है, सी का भाग का 4 गुना है, इसका 4 गुना ये है, इसका दुगना ये है, और टोटल कितना रुपया डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपसे सिर्फ रेशियो ही मांग लिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। एक बार फिर से क्या कर दिया क्वेश्चन, ए को जो नोटिस कीजिएगा अंतिम से, चलिए बी का हिस्सा सी का 4 गुना है, इसका 4 गुना ये, और ए का हिस्सा बी का क्या है दुगना है, इससे दुगना ये, यह इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा 19 क्या है आपका दिया हुआ है सवाल, नोटिस कीजिएगा आपका दे दिया है 2 पे पावर 1.5 और 2 पे पावर 0.5। आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, डिवाइड में पावर घटता है कब, जब ए सेम रहेगा तब, अगर दो कॉमन लेंगे 1 रुपया 50 पैसा में 50 पैसा चला जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ अगर दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। अब दे 2 पे पावर 1 अनुपात, तो आंसर क्या होगा 2:1, आंसर कितना होगा 2:1 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। जानते हैं अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, 2 पे पावर 1.5 है, ये क्या करते हैं ये काट देते हैं और ये पॉइंट खत्म, इसे काटेंगे 3:1, ये भी आंसर होगा। देख लीजिए ये कटेगा कब, जब ये बराबर होगा तब, लेकिन जानते हैं ध्यान नहीं देने की वजह से उनको लगता है कि हम सही जवाब दिए हैं, जबकि ये गलत है। रेशियो का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन, P/Q, और जानते हैं डिवाइड में पावर घटता है, तो ध्यान दीजिए जैसे 2 कॉमन ले लिए, 1 रुपया 50 पैसा में 50 पैसा चला गया 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, आंसर क्या होगा 2:1। बढ़ते हैं
सवाल 20 में आइए, बहुत सिंपल सवाल है, नोटिस कीजिएगा। MN का मान दिया हुआ है 3-2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल क्या है, 4M 5N और 4M माइनस 5N। मान रख दीजिए 12, देखिए M का मान 3 है, 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22, 12 में 10 कटाएंगे 2, कट के 11:1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मान रख दिए MN का मान दिया, पुट करना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर सवाल, तो ये हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और क्लास कंप्लीट देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो आज का क्लास यहीं तक, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, बाय।